नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। कहा जाता है कि ये खुदा, ये कायनात, ये फिजाएं भी रहमत होगी उसी पर बरसात करती है जिसके कर्मों में समाज सेवा और भावनाओं में सामाजिक सेवाएं छलकती है। आपको बता दें कि यूके के जाने माने ट्रस्ट बेज वेलफेयर एड ट्रस्ट द्वारा और अंजुमने तालिमुल मुस्लिमीन मलिकपुर सूरत मजलिसे फैज़े सुलेमानी मोती नरोली खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार चलाए जा रहे 14,000 नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आज रोज सूरत के लिम्बायत कमरू नगर में स्थित पक्षी वीड डॉक्टर सलीम अली प्राथमिक स्कूल में आज रोज स्कूली बच्चों को नोटबुक वितरित की गई। आयोजित प्रोग्राम में विशेष मेहमान के तौर पर आलिम दीन हजरत कारी अहमद अली फलाही साहब और यूके, इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका, इंडिया और ऑल ओवर गुजरात और सूरत के जाने माने फेमस और मशहूर महानुभवी अजीम और अहम शख्सियत से भरपूर और आसमान में इंद्रधनुष की तरह रोशन मेहमानों ने शिरकत की और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपको बता दें कि पिछले 4 से 5 दिनों से चले आ रहे हमारे इस मेगा कैंपेन में आज रोज़ सूरत के लिम्बायत कमरू नगर में स्थित पक्षी वीड डॉक्टर सलीम अली प्राथमिक स्कूल में आज रोज़ स्कूली बच्चों को नोटबुक वितरित की गई। इतनी बेहतरीन और उम्दा मकसद रखकर एजुकेशन फील्ड को बढ़ावा देते हुए यूके के जाने माने ट्रस्ट फैज़े वेलफेयर एड ट्रस्ट द्वारा और अंजुमने तालिमुल मुस्लिमीन मलिकपुर सूरत मजलिसे फैज़े सुलेमानी मोटी नरोली खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार चलाए गए 14,000 नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो सुनहरा आगाज किया गया है उसके तहत आज भी इस प्रोग्राम को बखूबी तरीके से मुकम्मल बनाया गया। आज के इस प्रोग्राम की खास और अहम बात यह है कि जैसे आसमान में बादल छाने के बाद जिस तरह सतरंगी मेघ धनुष नज़र आता है जिससे कि आसमान की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं, उसी तरह आज के इस प्रोग्राम की रौनक में मेघ धनुष की तरह समाज सेवा और तालीम के रंग बिखेरने के लिए आलिम दीन आती से आफ्ताब की तरह रोशन दीनी हजरात हजरत कारी अहमद अली फलाही साहब समाज सेवा की जीती जागती मिसाल और समाज सेवकों के रोल मॉडल प्रेसिडेंट ऑफ लेट यूनुस लतीफ़ ओरावाला ट्रस्ट हाजी जुनेद भाई ओरावाला यूके से सूरत की सरजमी पर शामिल होकर प्रोग्राम की रौनक बने जनाब इरफान भाई यूके वाले, रांदेर की जानी मानी शख्सियत जनाब आसिफ भाई प्रेस, यूके से बिलोंग जनाब मौलाना हुजैफा साहब, अमेरिका से सूरत के मेहमान बने जनाब हासिम भाई, हाजरा बेन साले भाई, सोशल वर्कर जनाब सरफराज भाई खान, सूरत की जानी मानी हस्ती हैतल बेन नायक, जीव दया रख कर भटकते पशु पक्षियों को खाना खिलवाने वाले ग्रुप की ज्योति बेन धीरज कुमार, अभिषेक भाई, सभी समाज सेवकों के लिए अद्भुत मिसाल किन्नर समाज के नूरी कुंवर, सूरत के रांदेर के फेमस ग्रुप बिस्मिल्लाह ग्रुप के सभी मेंबर्स, रांदेर डॉक्यूमेंट कंसल्ट सोहेल भाई दूधवाला, शहर के जाने माने टॉप बिजनेसमैन, अमेरिका से प्रोग्राम के मेहमान बने हिना बेन, मारिया बेन और जावेद भाई धेन और इकबाल भाई सूफी तथा शहर के सभी महानुभवी मेहमान प्रोग्राम में शामिल हुए और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी महानुभवी मेहमानों को पुष्प गुच्छ और ट्रॉफी तथा सिफास नामा और गुलपोशी और शाल पहनाकर सभी का विशेष सम्मान किया गया और सभी स्कूली बच्चों को नोटबुक वितरित की गई। आयोजित इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट का भी अहम योगदान रहा। आज के दिन इस कैंपेन के तहत स्कूली बच्चों को नोटबुक वितरित करके कार्यक्रम का समापन किया गया और देश दुनिया स्टेट शहर में एक अनोखी अद्भुत और अहम मिसाल कायम की गई। कैमरामैन सादिक पठान के साथ परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़ सूरत।
अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम कारी अहमद अली मुफ्ती फलाही फ्रॉम इंडिया। आज कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे है? आज हम लोग यहाँ लिम्बायत बोलो या मीठी खाड़ी बोलो यहाँ जमा हुए हैं, डॉक्टर सलीम अली स्कूल में हम जमा है और ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नोटबुक्स के लिए हम यहाँ जमा है। कितने बच्चों को बुक दिया आपने अभी तक टोटल? आज हमारा ये लास्ट प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से 4 जुलाई को हमने स्टार्ट किया था, आज 8 जुलाई को हम ये प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। 14,000 नोटबुक्स हमने तकसीम किए हैं। कौन कौन सी संस्थाएं जुड़ी हैं इसमें? सबसे बड़ी जो ट्रस्ट है वो एक ही है, वो है फेज वेलफेयर एड यूके में, जिसके जिम्मेदार हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही और हजरत मौलाना शोएब पटेल, हजरत मुफ्ती अफीफ साहब और उनके साथ जितने मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों और बहनें और माएँ और बेटे और बेटियां जो उनके साथ हैं वो मेन है। उसके बाद ये सारा मामला जो आता है ना उसकी सुपरवाइजर होती है यहाँ मलिकपुर में अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन में, और वहाँ से थ्रू जो होता है वो हमारे पास मजलिस फैज़े सुलेमानी में। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को वही कहना चाहूँगा जो मैंने अपने प्रवचन में कहा कि मोबाइल जो गलत तौर पे इस्तेमाल होता है उतना टाइम अपना बचाए और उतना टाइम एजुकेशन में, तालीम में, ताल्लुम में लगाए ताकि हमारा नॉलेज आगे बढ़े और हमारे हिंदुस्तान के लिए ब्राइट फ्यूचर तैयार हो जाए। आपकी संस्था ने नोटबुक देना है क्यों सोचा? हमने नोटबुक देना इसलिए सोचा, ये बहुत अच्छा सवाल सारा तुमने किया मुझसे, नोटबुक इसलिए हमने सोचा कि हमारे प्रोफेट ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, आपने किसी को ये नहीं कहा कि नमाज़ पढ़ो, किसी को ये नहीं कहा कि रोज़ा रखो, किसी को ये नहीं कहा कि ज़कात दो, सबसे पहले कहा इकरा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मालूम हुआ कि सबसे बड़ी बुनियाद और फाउंडेशन वो है, वो इल्म और नॉलेज है, और इल्म और नॉलेज का फाउंडेशन वो नोटबुक से, तो हम नोटबुक्स ये एक बेसिक चीज़ है जिसको लेकर हम बच्चों के पास आए। मुख्य मेहमान कौन? हमारे मुख्य मेहमान में बहुत है, हमारे हाजी जुनेद उरा वाला तो आपको मालूम है, मेरे भाई बहुत प्यारे भाई मौलाना हुज़ैफ़ा साहब यहाँ पर है, और हाशिम भाई अमेरिका से आए, यस्टरडे पहुँचे और आज हमारे प्रोग्राम में आ गए, इनका बहुत बड़ा एहसान। इनकी बीवी हाजरा भी आई हुई है, और ये हमारे बेटे इरफान ये यूके से आए हैं, और हमारे आसिफ प्रेस भी यहाँ पर है, इलियास भाई भी यहाँ पर है, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे एक नई बेटी मिली और वो नूरी है, नूरी हमारी बेटी यहाँ पर आई, सलोनी हमारी बेटी आई, हमारी बहन हेतल आई और बीना बहन आई, और हमारे मैन ऑफ द मैच यहाँ जावेद ढेंडन भी यहाँ पर है, इनके साथ इकबाल भाई भी है, बहुत खुशी है सारे मेहमान। बच्चों के लिए क्या एजुकेशन के लिए काम कर? अब हमारा काम आगे एजुकेशन के लिए जो है वो हम अभी इसी सिलसिले में डिस्कस कर रहे थे कि आगे क्या करना है, लेकिन अभी कुछ स्कूल है अभी भी बाकी है जिनको नोटबुक्स की ज़रूरत है और हमारी बच्चियों को स्कार्फ की ज़रूरत है, और जैसे आप देख रहे हो कि बारिश का सीज़न आया है तो बहुत सारे गरीबों के घर के छप्पर का काम करना है और अम्ब्रेलास का काम करना है, जेंट्स और लेडीज़ अम्ब्रेलास का काम करना है, बस आप लोगों की सबकी दुआएँ रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके सर, ठीक है।